यहाँ तक आने में कैसा सफर रहा, थोड़ा सफर के बारे में बताइएगा। सफर में कभी उतार चढ़ाव आया, कभी बहुत बार लगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में ठान लिए थे कि कर लेना है, फाइनल जाके सिलेक्शन हो ही गया। यहाँ तक पहुँचने में कितने प्रयास में, मतलब यहाँ तक पहुँचे सर, पहला प्रयास या मतलब एक दो प्रयास? पहले मतलब दूसरे जगह तैयारी कर रहे थे जी, उसमें देख रहे थे कि बहुत बार वहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत बार इंटरव्यू भी दिए बैंक में जी, लेकिन हो नहीं पाए। दरोगा तो मान के चलिए, दरोगा मेरा ये तीसरा, मतलब दो बार छठे थे, तीसरा प्रयास में हम इधर। ज़्यादा कोचिंग में जाते थे या तो ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करते थे? हम ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा प्रेफर करते थे। ग्रुप था 10-12-15 क्विज जाते थे, फिर सेट मारते थे, क्विज में ही सेट मारते थे। एक माधव क्लास था पटना में, कंकड़बाग में पहले, तो वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे दोस्त लोग था 15-20 के संख्या में, सबका अपना ग्रुप था सबको। जब लास्ट में कोरोना का समय आया तो सब, आप तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मोटिवेशन भी देते रहते हैं सर, कुछ गाइडलाइंस भी देते रहते हैं सर, तो किस तरह से मैं तैयारी करके जल्दी हो जाए? तैयारी देखिए, नियमित अपना रूटीन बनाए, रूटीन सेटअप होना चाहिए। सर बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि लुसेंट क्लियर कर लो मतलब दरोगा निकल जाएगा, इस पर कितने सजाए? नहीं, सिर्फ लुसेंट पढ़ने से दरोगा नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन कम से कम 3 बुक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 3 बुक आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको समझना भी। हाँ, लुसेंट तो मेरा फेवरेट बुक था, लुसेंट पढ़े थे, उसके साथ हम महेश बनवाल का पॉलिटिकल हमको बहुत अच्छा लगा था, काफी हेल्प किया तैयारी में। उसके बाद दृष्टि का हिस्ट्री पढ़े थे। दृष्टि का हिस्ट्री? हिस्ट्री। जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिला के गिरिया थाना क्षेत्र में, और जैसा कि अभी हमारे साथ यहाँ पे एक नए मतलब दरोगा सर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से मतलब तैयारी किए कि यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा छात्र के हित के लिए जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? हरिनंदन कुमार जी। कौन से बैच के आप, मतलब 2019 बैच के जी। सर थोड़ा सा मतलब यहाँ तक आने में कैसा सफर रहा सर, थोड़ा सफर के बारे में बताइएगा। सफर में कभी उतार चढ़ाव आया, कभी बहुत बार लगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में ठान लिए थे कि कर लेना है, फाइनल जाके सिलेक्शन हो ही गया। यहाँ तक पहुँचने में कितने प्रयास में, मतलब यहाँ तक पहुँचे सर, पहला प्रयास या मतलब एक दो प्रयास? पहले मतलब दूसरे जगह तैयारी कर रहे थे जी, उसमें देख रहे थे कि बहुत बार वहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत बार इंटरव्यू भी दिए बैंक में जी, लेकिन हो नहीं पाया, तो मन बहुत उदास हो गया था। लगा कि एक बार कि पढ़ाई अब छोड़ देना चाहिए, अब यार हो नहीं रहा जी। तो फिर सोचे कि इसको क्विट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ इसमें हम ज़्यादा बेहतर कर पाए जी। फिर इधर दरोगा साहब का वैकेंसी आया, इधर लग गए जी। रेलवे साहब का भी एग्ज़ाम दिए, उसमें भी जैसे सिलेक्शन हुआ जी, ड्राइवर में, रेलवे ड्राइवर में हुआ। और इधर दरोगा के लिए 18 बैच में जो है हम फिजिकल में छट गए थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे कि क्या यार अब कैसे होगा। फिजिकल में 4 सेकंड से हम छट गए थे, 4 सेकंड छट गए थे फिजिकल। उसके बाद एक्सरसाइज में 126 पोस्ट के लिए आया, तो हम सोचे यार इतना कम सीट है, नहीं भरना चाहिए, होगा ही नहीं इतना कम सीट में कैसे होगा। फिर एक सर थे, वो भी अभी ऐसा है, वो समझा रहे थे कि नहीं हरी तैयारी अच्छा है, तुम दे के देखो। फाइनली दिए तो हाँ हो गया, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किए। फाइनल उन्हें थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो हम फिजिकल में उसमें भी आउट हो गए। फिजिकल में आउट हो गए ना, मतलब ऐसे हो जाता? हाँ हो जाता, क्योंकि तबीयत डेंगू हो गया था उस समय, हाँ। तो फिजिकल के आसपास ही डेंगू हुआ था, तो नहीं हो पाया। वीकनेस आ गया होगा? वीकनेस आ गया, बहुत तरह परेशानी। उसके बाद लगा कि अब तो हो गया, अब कब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, सोचे कि जाते हैं घर, अब घरे पर रहते हैं। फिर कुछ दोस्त लोग मोटिवेट किए कि नहीं भैया तैयारी कीजिए, हो जाएगा। फिर आगे वैकेंसी था, तो पढ़ते चल गए, तैयारी अच्छा था ही, बस अपने आप को कंटिन्यू रखे, सेट मारना, ग्रुप डिस्कशन करना, वो सब रखे, फाइनली सिलेक्शन हुआ। ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको दिए थे, मतलब ज़्यादा कोचिंग में जाते थे या तो ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा? हम ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा प्रेफर करते थे। ग्रुप था 10-12-15 क्विज जाते थे, फिर सेट मारते थे, क्विज में ही सेट मारते थे। एक माधव क्लास था पटना में, कंकड़बाग में पहले, तो वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे दोस्त लोग था 15-20 के संख्या में, सबका अपना ग्रुप था सबको। जब लास्ट में कोरोना का समय आया तो सब लोग, हम लोग रूम पे आके सेट मारते थे, पढ़ाई करते थे, आपस में बैठ के एक दूसरे से मतलब डिस्कस करते थे, वहाँ पर पढ़ते थे। हाँ डिस्कस करते थे, फिर सेट मारते थे, फिर हम लोग फिर चलते थे, इसी तरह से तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं सर कि आजकल तो मतलब ऑनलाइन का युग है, बहुत सारे लड़के ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मान के चलिए अभी जो आया है, जैसे शुरू हमला के टाइम थोड़ा कम था, हम लोग मोबाइल पे क्या था ना, मोबाइल पे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा भूल जाते हैं, बहुत होता है कि लिखता नहीं, एक बार वीडियो देख लिए, रिवीजन नहीं हो पाता था। देखना जरूरी है, कभी काल देख लीजिए कुछ कुछ चीज़ अच्छा है तो उसे लिख नोट करिए उसको, ठीक ना। पढ़ना गलत बात नहीं है, आप कहीं से पढ़िए, मतलब ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए,
लेकिन उसको नोट करना है, कुछ कुछ अच्छा चीज़ है जिसमें हम फंस रहे हैं, उस चीज़ को हम लिख लेंगे फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आगे सर आगे भी पढ़ाई जारी है सर या मतलब बंद कर दिए? अभी तो उतना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, फिर भी प्रयास जितना मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा करें आगे UPSC के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और सर मतलब अभी लगता है कि SI का लगभग 1200 के लगभग पोस्ट आया सर, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए पोस्ट है 1200, बहुत लड़का ये सोच रहे होंगे इतना कम, पहले वैकेंसी 2400, 2500, 2200, 2300 आ रहा था, अभी 1200 आ रहा है, तो बहुत के दिमाग में होगा इतना कम आ गया होगा कि नहीं होगा, वो मैटर ही नहीं करता है। आप ठान लेते हैं, आपका तैयारी बेहतर होता है और उसमें लगे रहते हैं तो आपको 500 सीट ही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। यदि सीट से मतलब रखना नहीं होता है ना कि बहुत एक सीट से घबरा जाता है, लेकिन आपका तैयारी बेहतर हो तो आप 500, 250 सीट किसी में फाइट कर सकते हैं। अब तैयारी बेहतर नहीं होगा, 5000 सीट होगा तो नहीं हो पाएगा, यही सीट बात मैटर नहीं करता, सीट मैटर नहीं करता है। तैयारी अच्छा होना चाहिए, तैयारी अच्छा होना चाहिए बस, करना तो आपके एक ही सीट पे है, एक सीट 500 रहे या 1000 रहे, हाँ उससे कोई मैटर नहीं करता है, होता ना बहुत के दिमाग में एक सीट है, अब कोई ना कोई तो विद्यार्थी लेगा ही, एक सीट पे आएगा तो लेगा ही, लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है कि ज्यादा सीट रहता है तो लड़का का थोड़ा जोश भरा रहता है, लेकिन कम सीट रहता है तो उसके दिमाग में रहता है कुछ इधर उधर हो गया क्योंकि इतना पढ़ने वाले हैं बहुत, क्योंकि जितना बेहतर तैयारी रहता है तो वो सब इतना नहीं सोचते हैं, उनको तो लगता है यार हम तो कर ही लेंगे, जो थोड़ा मीडियम में रहते हैं तो वो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको डिमोरलाइज नहीं होना है, सीट ठीक ठाक है, इनफिशेंट सीट है, अब तैयारी कीजिए बेहतर कीजिए अपने आप को जितना, जैसे बहुत ऐसे बंदे होंगे कि मेरिट लिस्ट में भी छट के आए होंगे, एक दो मेरिट लिस्ट में छटने का मतलब है कि आप एक दो नंबर से छटते हैं, तो आप होता है ना आपका तैयारी ऐसा नहीं कि खराब। आपका ये कौन सा प्रयास में मतलब हुआ? दरोगा तो मान के चलिए दरोगा मेरा ये तीसरा, मतलब दो बार छठे थे, तीसरा प्रयास में हम इधर। और इससे पहले सर आप मतलब कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का दिए होंगे? कांस्टेबल का हम एक बार दिए थे 17 में, तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। इस बार जो कांस्टेबल का आया सर, मतलब देखिए अभी एग्जाम भी रद्द हो गया, तो एग्जाम रद्द होने से मतलब बहुत सारे छात्रों के मन में मतलब निगेटिव आ गया, उसको मतलब किस तरह से दूर करें? निगेटिव लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार जो है बेहतर करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इधर उधर हो गया है तो मतलब उसको सही से एग्जाम लिया जाएगा, तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ज़्यादा पढ़ने वाले उनका सिलेक्शन हाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा सही है, उनको मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तैयारी रहेगा उसका होगा सिलेक्शन फिर से होगा, क्या दिक्कत है। अभी हमारे साथ युवा एकदम मतलब युवा SI सर थे, हरिनंदन कुमार सर थे, और यहाँ पर एक और सर हैं, सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका थैंक यू। आप तो मतलब थोड़ा सा मतलब आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया सर, क्या कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट मतलब तैयारी कर रहे हैं? अच्छा तैयारी करें ईमानदारी के साथ जी, देखिए अगर ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी उनको। जैसे कि सर बताएं, सबसे पहली बात मन में निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा पढ़ाई पे कंटिन्यू पढ़ाई करना है, ठीक ना, और जो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। आप तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मोटिवेशन भी देते रहते हैं सर, कुछ गाइडलाइंस भी देते रहते हैं सर, तो किस तरह से तैयारी करके जल्दी हो जाए? तैयारी देखिए नियमित अपना रूटीन बनाए, रूटीन सेटअप होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि लुसेंट क्लियर कर लो मतलब दरोगा निकल जाएगा, कितने नहीं सिर्फ लुसेंट पढ़ने से दरोगा नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन कम से कम 3 बुक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर 3 बुक आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। कौन कौन सा बुक है? जैसे आप एक लुसेंट बोल दिया, अगर लुसेंट को पढ़ा जाए, लुसेंट तो मतलब बेसिकली है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, उसमें 40 से 50% आपका क्वेश्चन लुसेंट से आता है। हाँ लुसेंट तो मेरा फेवरेट बुक था, लुसेंट पढ़े थे, उसके साथ हम महेश बनवाल का पॉलिटिकल हमको बहुत अच्छा लगा था, वो काफ़ी हेल्प किया तैयारी में। उसके बाद दृष्टि का हिस्ट्री पढ़े थे, दृष्टि का हिस्ट्री हिस्ट्री बुक आता है उसका। दरोगा बनने के लिए मतलब ज़्यादा किस चीज़ पर मतलब एक्सपेक्टिंग तो होता है, टॉपिक क्या होता है उसमें पॉलिटिकल को अच्छा से पकड़ बनाना है, जैसे ज्योग्राफी में है तो मैप से कुछ क्लियर कर लेना है, हिस्ट्री तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, आप कहानी बेस है उसको याद कर लीजिए, ये 3 चीज़ स्कोरिंग होता है। उसके बाद विविध सब में आता है, लुसेंट विविध पढ़ लीजिए, साइंस में कभी काल कुछ जो है क्वेश्चन टफ आता है तो लुसेंट से साइंस पढ़ लीजिए, उसको बेहतर कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप कितनों बेहतर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं होता नहीं इधर अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि साइंस ऐसा चीज़ है कि लड़का उतना फोकस नहीं कर पाता है। लोग बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मतलब जैसे आर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसको क्वेश्चन आता है, मतलब जो पॉलिटिकल है कभी 15 क्वेश्चन देता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देता है अच्छा खासा, हिस्ट्री से भी रहता है, तो ये स्कोरिंग इससे मैथ मेंस मेंस में जो है ना मतलब 20-25 जो है ना मैथ रीजनिंग मिला के मेंस के लिए, PT में तो नहीं कभी कल 4-5 को मैथ पूछ देता है, PT में तो करेंट है, आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं तो पढ़ लिए, और जो भी है आपको अच्छा लगता है तो आप करेंट अच्छा उससे कीजिए, ठीक है। बेसिकली सर लुसेंट पढ़ ले और मतलब क्या किसके बनवा ले? लुसेंट आप लुसेंट को तो अच्छा से पढ़िए लीजिए, ठीक, उसके साथ होता है ना आपके पास इनफ टाइम होता है
लुसेंट ठीक है, उसको पढ़ते रहिए, जैसे दृष्टि का बोले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल का मतलब आप पॉलिटिकल महेश वर्णवाल का पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, महेश वर्णवाल का ज्योग्राफी भी अच्छा है, बहुत सारा जैसे घटना चक्र भी आया है तो आपको क्वेश्चन बैंक टाइप का है, तो आपको टाइम है तो क्वेश्चन देख लीजिए, होता है जितना आप बेहतर पढ़िएगा उतना बेहतर रहेगा। इन सभी बुक से आप पढ़ लीजिएगा तो मतलब लगभग हो जाएगा तैयारी? तैयारी तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्रुप डिस्कशन कीजिए फिर, मतलब हल्का फुल्का तो बेहतर, सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ चीज तो ग्रुप डिस्कशन है, सेट मारना प्रैक्टिस डेली सेट तो एक मार ही लीजिए, होता है ना, अपने से यदि नहीं जा पाते हैं तो खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम एक सेट डेली मार लीजिए। हाँ जैसे कि सर बता रहे हैं, सर आपका भी तो पूरा एक्सपीरियंस है सर। जी हाँ, एक्सपीरियंस तो हो ही गया, आदमी इतना दिन से लगा है साथ में, तो सर ने जितना भी बोला अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो जरूर आप कामयाब होइएगा, जरूर सफलता मिलेगी आपको। अभी सर ने जितने बुक्स कहा, इस बुक्स को आप नियमित पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, एक रूटीन बनाइए, आप रूटीन बनाइए और रूटीन को फॉलो कीजिए और जरूर आप कामयाब होइएगा। सीट कोई मायने नहीं रखता, ज्यादा है या कम, मेहनत मायने रखता है, आप मेहनत कीजिए। निकालने वाला 500 सीट भी निकाल सकता है, नहीं निकालने वाला 5-6 सीट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नोबरा के 162 सीट में क्वालिफाई किए थे, तो सीट मायने नहीं रखता, आप जितना मेहनत कीजिएगा सफलता आपको मिलेगा। सीट देख कर आप निगेटिव मत सोचिए, अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए किसी को। चलिए सर से मिलकर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचाइए। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट हित के लिए फायदा हो, मतलब स्टूडेंट हित को मतलब कुछ मोटिवेशन मिले। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।